मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 4 फरवरी 2021 के सकार मधुर महावाक्य। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा, बाबा ने पूछा, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? और उत्तर में बाबा ने हमको समझाया, बाबा कहते क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुबजाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो, पतित दुनिया और पतित शरीर में है, तो भोला हुआ ना, भोले बाप का डायरेक्शन है। मीठे बच्चे, अब अमृत पियो, विकार रूपी विष को छोड़ दो। देखो बाबा ने कहा कि मैं भोला नाथ हूँ, क्यों? क्योंकि गणिकाओं जो गरीब हैं, कमजोर हैं, अहिल्या जिसको अपने ही घर वाले छोड़ते हैं, कुबजाओं जिनको समाज एक्सेप्ट नहीं करता, उनका भी कल्याण कर। तो बाबा कहते ऐसी आत्माएं जो गौण है, बिल्कुल तुच्छ मानी जाती हैं, जिनको अपने ही पूछते नहीं हैं, अपने ही उनको डिग्रेड करते हैं और जिनको समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता है, मैं उनका भी कल्याण करके उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। कल्याण भी करते हैं और मालिक भी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, मैं पतित दुनिया में आता हूँ और शरीर भी पतित लेता हूँ, तो मैं भोला हुआ ना। तो बाबा कहते अब मेरा डायरेक्शन है कि तुम अमृत पियो, विकारों को छोड़ो। और आज की मुरली का गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। आत्मा ने शरीर धारण किया ना, तो बाबा कहते इस शरीर के कान की जो कर्मेंद्रिय उसके द्वारा गीत सुना। दूर देश के मुसाफिर आते हैं, तुम भी मुसाफिर होना। तो बाबा कहते मुसाफिर दूर देश से ही तो आते हैं, उसको मुसाफिर कहते हैं ना जो किसी और जगह से आया है। तो बाबा कहते तुम भी मुसाफिर हो, हम भी तो परम धाम से आई है ना आत्माएं। तो बाबा ने कहा जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वह सब मुसाफिर हैं, आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। यहाँ पर आत्मा का कोई घर नहीं है, आत्मा है निराकार। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं। हमारी दुनिया तो और ही है, उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। इनको जीव आत्मा का देश कहा जाता है, वह है आत्माओं का देश। फिर आत्माएं यहाँ आकर शरीर में जब प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाती हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पार्ट बजाती है इस शरीर द्वारा। जैसे कोई दूसरे देश में, कंट्री में जाकर रहता है तो हम कहते हैं ना कि वहां का निवासी है, लेकिन यहाँ परमानेंट हो गया है, यहाँ आ गया है, इसको रेजिडेंसी मिल गई है। तो ऐसे ही बाबा हमको कहते हैं कि आप आत्मा इस दुनिया की तो हो नहीं, आप तो परम धाम में रहती हो, निराकारी दुनिया की हो, आप यहाँ पर आई हो, शरीर में रहकर पाठ बजाती हो, इसीलिए तुम निराकार से क्या बन गई हो, साकार बन गई हो। तो बाबा कहते हर एक चीज का नाम होता है, तो आत्मा का भी रूप है, वो ज्योतिर्बिंदु रूप है और नाम है आत्मा। तो बाबा कहते नाम रूप से न्यारी तो नहीं है, नाम भी है। और बाबा ने कहा कितनी छोटी है आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट है, और पार्ट देखो कितना बजाती है, कैसे बजाती है, इस शरीर द्वारा। बाबा ने कहा हर आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है, हर आत्मा की एक मेमोरी है। तो बाबा कहते रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना बारी भी रिपीट करो वही चलेगा, अब जो उसमें भर गया तो वही चलेगा। वैसे आत्मा भी इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है,
बाबा कहते हैं जैसे आत्मा में सारा पार्ट रिकॉर्ड है ना, और आत्मा इस शरीर के अंदर भी रिकॉर्ड है जिसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार है वैसे आत्मा भी निराकार है। बाबा ने कहा कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है ना, नाम तो है ना आकाश। वो कहते हर एक चीज वस्तु का नाम होता है, तो परमात्मा दिखाई नहीं देता फिर भी उसको परमात्मा कहते हैं। बाबा कहते मेरा भी कोई ना कोई रूप है, आकार है, निराकार कोई चीज नहीं होती। तो बाबा ने कहा जैसे आकाश है, आकाश में कुछ भी नहीं है, पोलार ही है, बस खाली है, पर फिर भी उसका नाम है आकाश। तो बाबा ने कहा बिगर नाम की कोई चीज नहीं होती। मनुष्य कहते हैं परमपिता परमात्मा। अब दूर देश में तो सब आत्माएं रहती हैं, यह साकार देश है, इसमें भी दो का राज्य चलता है, राम राज्य और रावण राज्य। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़े ही बनाएंगे। बाबा कहते मैं अपने बच्चों के लिए दुख तो नहीं क्रिएट करूंगा, उसका राज्य तो नहीं क्रिएट करूंगा। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। बाप समझाते हैं मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूं, मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। यह मनुष्यों की भूल है, ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे, इस समय है ही दुख धाम। बाबा कहते दुनिया में कहते हैं ना कि सब कुछ परमात्मा ही देता है, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। तो बाबा कहते मैं अपने बच्चों को कभी दुख दे ही नहीं सकता, मैं तो उनका दुख हरता हूँ और साथ साथ में सुख करता भी हूँ, सुख भी देता हूँ। तो बाबा ने कहा ये सब मनुष्यों की भूल है, इस समय है ही रावण का राज्य और रावण के राज्य में दुख ही मिलेगा। बाबा कहते सुख की रत्ती नहीं, सुख धाम में फिर दुख होता ही नहीं, ये दुख धाम है तो इसलिए सुख की रत्ती भी नहीं, रत्ती भर सुख नहीं है। और बाबा कहते जब सुख धाम होगा तब रत्ती भर दुख भी नहीं होगा। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं, अभी तुम हो संगम पर, इसको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। संगम है ना, पुरानी और नई का संगम है, दोनों के फीचर्स हैं। नई दुनिया का नाम है सतयुग, वही फिर पुरानी होती है तो उसको कलयुग कहा जाता है। नई चीज और पुरानी चीज खराब दिखाई जाती है। बाबा कहते हैं नई चीज अच्छी दिखाते हैं और पुरानी चीज खराब दिखाते हैं, तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है। मनुष्य विष को ही सुख समझते हैं, गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। फिर कहते हैं तेरे भाने सर्व का भला। बाबा कहते मनुष्य जो विष को ही सुख समझते हैं, जैसे लौकिक में भी देखो लोग मांस मदिरा शराब पीते हैं, तो क्यों पीते हैं, कुछ भूलने के लिए। क्या भूलना चाहते हैं, जो उनको दुख दे रहा है, पेन दे रहा है, उस दुख को भूलने के लिए वो उसका सेवन करते हैं, समझते हैं इसमें सुख है, दुख को भूल जाएंगे। पर देखा जाए दुख भूलता थोड़ी, वो तो स्थिति एज इट इज रहेगी। हम अपनी मानसिकता को खो देते हैं जिसके कारण हमें लगता है कि हमें सुख मिल गया। तो बाबा कहते ऐसे नहीं है, मनुष्य विष को सुख समझते हैं और गाते भी रहते हैं साथ में अमृत छोड़ विष काहे को खाए। फिर कहते हैं तेरे भाने सर्व का भला, कि तुम जो भी कहते हो उसमें सबकी भलाई है, तुम जो भी करते हो उसकी सबकी भलाई है। बाबा कहते अगर फिर मैं ये कहता हूँ कि विष को छोड़ो, तो कहते ये कैसे छोड़ देंगे, ये कैसी बातें करते हैं। बाबा कहते हैं तेरे भाने सर्व का भला, आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। बाबा कहते अगर मैं आया हूँ रावण राज्य में आया हूँ, मैस में आया हूँ, तो मुझे अच्छी दुनिया क्रिएट करनी है, तो वहां पर तो सारा कुछ गड़बड़ हो ही रहा है, मुझे तो गड़बड़ को ठीक करना है ना। तो बाबा कहते अगर मैं नहीं बताऊंगा कि सही चीज क्या है तो फिर वो कैसे करेंगे, अगर मैं ही नहीं बताऊंगा तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे, वे ही करते रहेंगे, ये सीरीज कैसे टूटेगी, कैसे नई दुनिया आएगी। तो बाबा कहते यह तो अब बच्चों को पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए फिर कब आएंगे। बाबा के बच्चों को पता चल गया क्योंकि बाप ने बताया, तो उनको कहेंगे उनकी आत्मा तो ज्योति ज्योत समा गई। बाबा कहते दुनिया वालों से पूछेंगे तो कहाँ गए, तो वो कहेंगे वो तो ज्योति ज्योत समा गए, उसी में लीन हो गए, आएंगे फिर कैसे। बाबा कहते फिर वो दोबारा कैसे आएंगे। तुम कहेंगे
बाबा कहते तुम बच्चों को पता चला और तुम क्या कहोगे कि आज से 4500 वर्ष बाद फिर गुरु नानक देव आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चलती रहती है, चक्र लगाती रहती है। क्यों? क्योंकि हमें बाप ने समझा दिया ना, वो हमारी बुद्धि में अब वो ज्ञान चक्र लगाता है। बाबा कहते इस समय सब तमो प्रधान है, इनको क्यामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य जैसे कि मरे पड़े हैं, सबकी ज्योति उझाई हुई है, बुझ रही है। बाप आते हैं सबको जगाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उनको अमृत वर्षा से जगाए साथ ले जाएंगे। माया रावण ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है। सभी सो गए हैं, अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और पानी कहाँ? बाबा कहते सिंपल पानी कहाँ और अमृत कहाँ, कितना डिफरेंस है। सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की है, खुद कहते हैं एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैबन गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैवी सच नानक होसी भी सच। मतलब कि सदैव सत्य है, वही सत्य है। तो बाबा कहते वह सदैव सच बोलने वाला है, सत्य नारायण की कथा है ना, इसीलिए तो वह सत्य बोलेगा। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए हैं, कौन कौन सी कथा सुनते हैं? अमर कथा, तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा। तो बाबा कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, तो बाबा ने कहा वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाले हैं शंकर, फिर वहां कौन सी कथा सुनाई होगी? सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी नहीं है, मूवमेंट है सिर्फ, वहां टॉकी तो है ही नहीं, वहां आवाज तो नहीं है। तो बाबा कहते कौन सी कथा सुनाई होगी? तो बाबा ने कहा यह सब बातें बैठ मैं ही आपको समझाता हूँ। बाप हमको समझाते हैं कि वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाए अमर लोक में ले जाने आया हूँ, मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उनको अमर कथा सुनाएंगे? बाबा कहते कर्म तो हम यहाँ करते हैं साकार मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में, और मैं आपको अमर लोक ले जाता हूँ, सूक्ष्म वतन का तो कोई रोल ही नहीं है। तो फिर पार्वती ने ऐसा क्या किया जो उसने को सूक्ष्म वतन में कथा सुनाई? तो बाबा कहते लॉजिक देखो ना आप, शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी हैं, सत्यनारायण की कथा सच्ची कथा तो है नहीं। बाबा कहते तुमने कितनी सत्यनारायण की कथा सुनी होगी? सुनी होंगी ना, हमने लोग करते हैं अपने घरों में रखवाते हैं। बाबा कहते फिर सत्यनारायण कोई बनते हैं क्या? और ही गिरते जाते हैं। बाबा कहते इतनी कथाएं करते हो, सत्यनारायण की कथा कोई हर साल करवाते हैं, तो कोई बना सत्य नारायण, नारायण जैसा बना कोई? बाबा कहते और ही गिरते जाते हैं। अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सत्य कथा, नारायण सत्य नारायण की कथा, तीजरी की कथा। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते हैं तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो, इसलिए क्या गाया हुआ है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। यह है पतित दुनिया, सत्युग में पूज्य पावन मनुष्य, इस समय है पुजारी पतित मनुष्य। बाबा कहते सत्युग में आप ही पूज्य होंगे क्योंकि आप पवित्र आत्माएं होंगी, देवी देवता कहलाएंगी, और इस समय आप ही पतित बन गए हो, तो आप ही पूजा कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पर पुजारी पतित मनुष्य हो। साधु संत गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, यह अक्षर है राइट। सब सीताएं ब्राइड्स हैं, कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भक्तियां पुकारती हैं, आत्मा पुकारती है ना हे राम। तो गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे, तो कहते थे हे पतित पावन सीताराम। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई है,
बच्चों को तो अब पता चल गया है, बाबा ने क्लैरिटी दे दी है। बाबा कहते हैं ओपिनियन लेते रहो, जिससे भी बात करते हो ना उनसे ओपिनियन लेते रहो, उनको लॉजिकली समझाओ कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाबा कहते हैं दुनिया में कहते हैं ना हर जगह ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, तो बाबा कहते हैं उनका ओपिनियन लो, उनको समझाओ लॉजिकली कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। अगर ईश्वर सबके अंदर होता तो हम ऐसी मार काट करते, ऐसे व्यभिचार करते, दुराचार करते किसी के ऊपर? तो बाबा कहते हैं साथ साथ में उनको बताते रहो, कंट्रास्ट समझाते रहो, उनसे ओपिनियन लेते रहो, उनकी राय लो, देखो उनको ये चीजें समझ लगी है कि नहीं लगी। फिर बाबा ने कहा गीता का भगवान शिव है ना कि कृष्ण, तो ये भी दूसरों को अटपटा लगेगा। बाबा कहते हैं लेकिन आप बच्चों को ये समझाना है उनको, तो बाबा कहते हैं उसके लिए पहले पूछो गीता का भगवान किसको कहा जाता है, ठीक है? फिर जब हम बच्चे उनसे प्रश्न पूछेंगे फिर वो उसका उत्तर क्या देंगे, वो कहेंगे श्री कृष्ण। तो बाबा कहते फिर उनसे पूछो दूसरा क्वेश्चन कि भगवान साकार है या निराकार है, भगवान को दिखाई देता है, भगवान को हम देख सकते हैं आंखों के द्वारा? तो बाबा कहते ये प्रश्न पूछो, फिर वो कहेंगे नहीं कृष्ण तो साकार है, तो फिर उनको बताओ कि शिव है निराकार। बाबा कहते फिर यहाँ पर कंट्रास्ट बताओ, फिर उनको बताओ कि वह सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बताओ कि उन्होंने कृष्ण के तन का लोन लिया, क्यों लिया? क्योंकि कृष्ण 16 कला संपूर्ण निर्विकारी आत्मा है, इसलिए बनाया ना बाबा ने उनको ऐसा। तो बाबा कहते फिर उनको ये कंट्रास्ट बताओ कि कृष्ण ने तो माता के गर्भ से जन्म लिया है, परमात्मा तो माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, शिव को शरीर है नहीं, यहाँ इस मनुष्य लोक में स्थूल शरीर है, बाप आकर सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं, बाप की महिमा है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। तो बाबा कहते ये समझाओ उनको। अच्छा तो बाबा कहते फिर उनसे पूछो सुख कहाँ मिलता है, यहाँ तो हो नहीं सकता, सुख मिलेगा सत्ययुग में यानी कि दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म हो स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। फिर बाबा कहते अच्छा उनसे पूछो लिबरेट किससे करते हैं, किससे छुड़ाते हैं, परमात्मा किससे छुड़ाएंगे? फिर वो बोलेंगे दुख से, तो दुख हमें रावण देता है, तो बोलो ये तो दुख धाम है ना, फिर अगर दुख है अब परमात्मा को ढूंढ रहे तो इसका मतलब ये दुख धाम है। तो अच्छा फिर गाइड भी बनते हैं परमात्मा, या शरीर तो यहाँ खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं, पहले साजन फिर सजनी जाती है, वह है अविनाशी सलोना साजन, वह सबको दुख से छुड़ाए पवित्र बनाए घर ले जाते हैं। शादी कर जब जाते हैं तो पहले होता है घोट यानी कि पति चलता है, पीछे चलती है ब्राइड उसकी पत्नी, फिर बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी है, जब शादी होती है तो घर में दूल्हा आता है, दूल्हे के साथ साथ दुल्हन, फिर पीछे जो बराती गए होते हैं वो आते हैं। तो बाबा कहते सेम ऐसे ही है, शिव बाबा क्या है साजन और हम सब आत्माएं उसकी सजनी है। तो बाबा कहते तो ऐसे तुम्हारी माला भी बन रही है। तो बाबा कहते ऊपर में शिव बाबा फूल उसे नमस्कार करेंगे, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बनते हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बने हो। बाबा कहते आप माला में पिरोए जाते हो तो कैसे? बाबा की याद से ही ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती जिसको नाम दिया गया है तो बाबा कहते वो अपने पुरुषार्थ से फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण ही सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। चक्कर में आ जाते हैं ना, तो फिर जब वापिस आता है चक्कर गिरती कला में, जब नीचे आते हैं वे पुरुषार्थ करके ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं, फिर वही ब्रह्मा सरस्वती सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इन्होंने मेहनत की तब पूजे जाते हैं। बाबा ने कहा इन्होंने मेहनत की है, कोई को पता नहीं है माला क्या चीज है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। 16108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती है, फिर कोई कहां से खींचेंगे। तो बाबा ने बताया ना कि माला कैसे बनती है, पहले शिव बाबा, फिर युगल दाना, फिर उसके बाद जो बाकी फूल है वो हम आत्माएं इंडिकेट करते हैं बाबा। तो बाबा ने कहा जब ब्रह्मा बाबा की बात बता रहे हैं कि बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फेरते थे,
राम राम जपते थे, क्योंकि फूल एक ही बाप है ना। तो ब्रह्मा ने भी किसको जपा? राम को। राम माना शिव पिता परमात्मा को। फूल को ही राम राम कहते हैं, फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं, पादरी भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। तो बाबा कहते, पूछो किसकी माला फेरते हो? तो उनको तो पता ही नहीं है, कह देंगे क्राइस्ट की याद में फेरते हैं। बाबा कहते, उनको यह पता ही नहीं कि क्राइस्ट की आत्मा खुद कहाँ है, उनको नहीं पता कहाँ है। तो बाबा कहते, तुम जानते हो? बाबा के बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं? कि क्राइस्ट की आत्मा अब तमो प्रधान है। तुम भी तमो प्रधान बैगर थे, अब बैगर टू प्रिंस बनते हो। भारत प्रिंस था, अभी बैगर है, फिर प्रिंस बनते हैं, और बनाने वाला है बाप। तुम मनुष्य से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस कॉलेज भी था, यहाँ प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते थे। तो बाबा कहते, उस कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ पर राजे महाराजाओं के बच्चे पढ़ते थे। तो बाबा कहते, तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। तो हम ये जो बाबा की पढ़ाई है श्रीमत पर चलकर क्या बनते हैं? स्वर्ग की दुनिया में जाने वाले, वहां पर रहने वाले प्रिंस प्रिंसेस। बाबा कहते, ये श्री कृष्ण प्रिंस है ना, उनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है, मनुष्य क्या जाने। बाबा कहते, यह बातें सिर्फ तुम जानते हो। भगवानुवाच, भगवान ने कहा, यह सबका फादर है, तुम गॉड फादर से सुनते हो, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसे ही कहा जाता है सच खंड और यह है झूठ खंड। बाबा कहते, सच खंड तो बाप स्थापन करेंगे और झूठ खंड रावण स्थापन करते हैं, रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। किसी को भी पता नहीं कि आखिरीन भी रावण है कौन, जिसको मारते हैं फिर जिंदा हो जाता है। बाबा कहते, रावण कौन है किसी को कुछ नहीं पता, वो सिर्फ एक पुतला बना देते हैं, एक आइडेंटिटी बना देते हैं कि ऐसा एक कोई मनुष्य हुआ था जिसमें विकार ही विकार थे। तो बाबा कहते, असल में नहीं पता कौन है, इतना मारते हैं, बाबा कहते फिर जिंदा हो जाता है। फिर बाबा ने आगे समझाया, बाबा कहते, वास्तव में 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, इसको कहा जाता है रावण, क्योंकि इस समय कलयुग की दुनिया में तो स्त्री भी विकारी है। बाबा कहते, उनको मारते हैं, रावण मारकर फिर सोना लूटते हैं। रावण मर गया तो उसका राज्य सारा अपना हो गया। तो बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो, यह है कांटों का जंगल। बॉम्बे में बबुल नाथ का भी मंदिर है, बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते हैं, इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। सत्यु को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है, वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। अभी तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो, इस रावण राज्य का विनाश तो होना ही है, आखिरीन बड़ी लड़ाई भी होगी, सच्चा सच्चा दशहरा भी होना है, रावण राज्य ही खलास हो जाएगा, फिर तुम लंका लूट लोगे, तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसलिए इनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाएं, अहिल्याएं, कुबजाएं, सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, कितना भोला है। बाबा कहते हैं, उन लोगों को मालिक बनाता हूं जिसको कभी किसी ने सोचा भी नहीं होता। गणिकाएं, जिनको कोई कुछ समझता ही नहीं। अहिल्याएं, जिनको अपने ही सब त्याग देते हैं। कुबजाएं, जिनका समाज उपहास उड़ाता है, जिनको एक्सेप्ट नहीं करता। तो बाबा कहते, मैं उनको मालिक बनाता हूँ विश्व का, तो कितना भोला हुआ। आते भी हैं पतित दुनिया पतित शरीर में, बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वह विष पीना छोड़ते ही नहीं। बाबा कहते, जो लायक ही नहीं है वो क्या करेंगे, वो अपनी नादानियां छोड़ेंगे ही नहीं, विष पीना छोड़ेंगे ही नहीं। बाप कहते हैं, बच्चे अभी यह अंतिम जन्म पावन बनो, यह विकार तुमको आधी मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम इस एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो? बाबा देखो हमसे पूछ रहे हैं। बाबा कहते, क्या एक जन्म के लिए सब चीजें नहीं छोड़ सकते हो?
मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। बाबा कहते सुनते ही नहीं हो आप, विष बिगर सिगरेट शराब बिगर रह ही नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूँ, बच्चे इस एक जन्म के लिए पावन बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना है, ये बाप का ही काम है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम में ले जाने के लिए। बाबा कहते मेरे सारे बच्चे दुखी हैं, मैं सबको दुख से छुड़ाकर सुख धाम में लेके जाऊंगा, शांति धाम में लेके जाऊंगा। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे, जो भी कंफ्यूजन है, बाबा कहते मैं सबको सब कुछ ठीक कर दूंगा इस मैस को। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होगी, सत्य धर्म डिवाइन प्योरिटी की स्थापना होगी। बाबा कहते सुख की दुनिया की स्थापना होगी। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, कालों का काल। बाबा कहते मैं महाकाल हूं। वह काल तो एक दो को ले जाएंगे, जब किसी की मौत आती है तो हम कहते हैं ना काल आ गया, तो बाबा कहते मैं तो सबको ही ले जाऊंगा, मैं तो सभी आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए बाबा को महाकाल भी कहते हैं। बाप आकर तुमको कितना समझदार बनाते हैं, देखो बाबा रोज हमें कितना समझाते हैं, कितनी क्लैरिटी देते हैं हमें। बाबा बारीक से बारीक बात भी कितनी सहज रूप से समझाते हैं, और इसमें हमारा कितना कल्याण समाया हुआ है। तो बाबा कितनी मेहनत कर रहे हैं हम बच्चों के ऊपर, बाबा के मन में हम बच्चों के लिए कितना प्यार कितना रहम है, बाबा हमें कितना समझदार बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मुझ माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए आज मुख्य सार है, बाबा कहते क्या चीजें धारण करनी है। पहला पॉइंट, इस अंतिम जन्म में विश्व को त्याग, अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। और दूसरा पॉइंट, बाबा ने कहा विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है, पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। बाबा के समान दुख हरने हैं सबके हमने, तो ये छोटा काम नहीं है, ठीक है। तो बाबा ने हमें वरदान भी दिया है, बाबा ने कहा ड्रामा की ढाल को सामने रख, खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। ड्रामा की ढाल को सामने रख, खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। बाबा कहते खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बनाता है, कहते भी है ना खुशी जैसी खुराक नहीं। इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ। देखो ड्रामा की ढाल का मतलब बाबा ने कहा कि यदि ड्रामा की स्मृति रहेगी तो कभी मुरझा नहीं सकते, खुशी गायब नहीं हो सकती, मतलब कि जो होना था वो हो रहा है, वो हमारे कल्याण के लिए हो रहा है, तो कल्याण में तो खुशी होती है ना सबको। तो बाबा कहते अगर ड्रामा का नॉलेज इस तरीके से रहेगा ना कि जो भी हो रहा है, जो भी स्थिति परिस्थिति आ रही है, व्यक्ति जो भी कर रहा है उसमें कल्याण है, परमात्मा जो भी हमारे सामने हमारे लिए स्थिति परिस्थिति दे रहे हैं उसमें मेरा कल्याण है, तो बाबा कहते कल्याण में तो खुशी होगी ना, तो फिर कभी मुरझा नहीं सकते हैं, खुशी गायब नहीं हो सकती है, क्योंकि यह ड्रामा कल्याणकारी है। इसलिए अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा समझ सदा खुश रहेंगे। तो ये स्मृति पक्की हो जाएगी ना हमारी कि ड्रामा में जो भी है कल्याण के अर्थ ही बना हुआ है। तो बाबा कहते इससे खुशी सदा रहेगी, और खुशी आत्मा की खुराक है,
शरीर को अच्छी डाइट देते हैं तो शरीर ताकतवर रहता है, तो आत्मा को भी खुशी की डाइट मिलेगी तो क्या होगी, आत्मा भी खुशहाल रहेगी, हेल्दी रहेगी। और स्लोगन है, पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। ओम शांति। 3 फरवरी का जवाब है, इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से ही हम राम राज्य के मालिक बनेंगे। 4 फरवरी साकार मुरली से सवाल है, कयामत के समय रावण का क्या कार्य है और परमात्मा शिव का क्या कार्य है? इस सवालों का जवाब आप सभी भाई बहन कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दें। ओम शांति।